भारत में व्यापार करना है तो उत्पाद की मार्केटिंग के साथ साथ उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होता है। ये बात भारतीय उपभोक्ताओं ने पुनः स्पष्ट कर दी है। भारतीय उपभोक्ताओं की नाराजगी के लपेटे में इस बार अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड आई है, जिसकी कारों की बिक्री भारतीय प्रतिस्पर्धी मार्केट में न के बराबर सीमित हो चुकी है। फोर्ड ने यहाँ अपने अस्तित्व के लिए करीब 3 दशक तक संघर्ष किया, किंतु अब कंपनी भारत में अलोकप्रियता के कारण अपने 2 प्लांट्स को बंद करने का ऐलान कर चुकी है। भारतीय मार्केट को लेकर विशेष उदासीनता उसे इतनी अधिक भारी पड़ी है कि कंपनी अपना सबसे बड़ा मार्केट खो चुकी है। कारों की लॉन्चिंग के मामले में फोर्ड से अच्छे विकल्प भारतीयों ने मारुति सुजुकी, टाटा, ह्युंडई, होंडा, टोयोटा जैसी कारों में देखे। नतीजा ये हुआ कि फोर्ड धीरे धीरे भारतीय मार्केट से अदृश्य होती गई। ये अमेरिकी समेत सभी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक सबक है कि भारतीय प्रतिस्पर्धी मार्केट में पूर्वाग्रहों से ग्रसित उदासीनता उनके व्यापार को ठप कर देगी। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे और क्यों फोर्ड जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी को भारत जैसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ रहा है। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड, जिसको लेकर अमेरिका में एक राष्ट्रवाद की भावना है, फीचर्स चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो, किंतु अमेरिकी होने के चलते लोग उसे ही खरीदते हैं। वहीं भारत में स्थिति विपरीत है। यहाँ उपभोक्ताओं की पहली प्राथमिकता गुणवत्ता ही होती है, जिसके मामले में फोर्ड कहीं पीछे रह गई है। भारत में लगातार गिरती सेल्स एवं लोकप्रियता के चलते फोर्ड ने घोषणा की है कि वो अपने 2 प्लांट्स बंद करेगी। भारत में करीब $2.5 अरब का निवेश करने वाली फोर्ड के मुताबिक उसे चेन्नई और साणद यानी गुजरात के संयंत्रों में पिछले 10 वर्षों में $2 अरब का नुकसान हुआ। ऐसे में कंपनी इन दोनों ही प्लांट्स को बंद कर रही है। वैश्विक व्यापार के लिए साणद में कंपनी के इंजन निर्माण का प्लांट यथावत जारी रहेगा, शेष सभी प्लांट बंद होंगे। साथ ही अब भारत में आयात के जरिए ही फोर्ड कारें बेचेगी। इस बड़े ऐलान पर कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम फार्ले ने एक बयान में कहा कि हमारी फोर्ड प्लस योजना के हिस्से के रूप में हम दीर्घकालिक तौर पर टिकाऊ लाभदायक व्यवसाय करने के लिए कठिन लेकिन आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी पूंजी को सही क्षेत्रों में बढ़ने और मूल्य सृजित करने के लिए आवंटित कर रहे हैं। भारत में महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद फोर्ड ने पिछले 10 वर्षों में $2 अरब से अधिक का परिचालन घाटा उठाया है। नए वाहनों की डिमांड उम्मीद की तुलना में बहुत कमजोर हो रही है। फोर्ड के इस गिरते ग्राफ को इसी वर्ष भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी समझ लिया था। संभवतः यही कारण है कि इस साल जनवरी में फोर्ड मोटर कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने पूर्व में घोषित वाहन संयुक्त उद्यम को समाप्त करने और भारत में स्वतंत्र परिचालन जारी रखने का फैसला किया था। इसके विपरीत सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों एक अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में इस तरह से सिकुड़ गई और उसे अपना बोरिया बिस्तर ही समेटना पड़ गया। इसकी वजह यह है कि भारत में कंपनी की सेल्स लगातार गिरती ही जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कंपनी का मार्केट शेयर मात्र वित्त वर्ष 2020 में 4.9% तक ही रहा, जबकि उसका मुकाबला 24% मार्केट शेयर वाली मारुति सुजुकी और 18% वाली ह्युंडई से था। एक यथार्थ सत्य यह है कि कंपनी ने कभी भारतीय मार्केट पर ध्यान ही नहीं दिया। कंपनी की सोच संभवतः यहाँ के उच्च वर्ग को आकर्षित करने की थी, जो कि भारत के प्रति उसकी सोच को दर्शाता है, किंतु वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। फोर्ड ने भारतीय मार्केट के प्रत्येक सेगमेंट पर अधिक जोर नहीं दिया, बल्कि कुछ ही सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे एक बड़ी आबादी को यह कंपनी आकर्षित नहीं कर पाया। हैचबैक रेंज में फोर्ड पहले पॉपुलर तो हुई, लेकिन मारुति सुजुकी और ह्युंडई जैसी कंपनी फोर्ड से कहीं अच्छे ऑफर और विकल्प ले आई। फोर्ड की जो लोकप्रिय कारें रही उनमें कॉम्पैक्ट SUV के मामले में फोर्ड इको स्पोर्ट और SUV सेगमेंट में एंडेवर ही थी। कॉम्पैक्ट SUV के मामले में मारुति की विटारा ब्रेजा और बेलेनो एवं ह्युंडई की क्रेटा जैसी कारें टक्कर दे रही हैं। ठीक इसी तरह SUV के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर एवं महिंद्रा XUV के अलग अलग सेगमेंट की कारों ने अपना सिक्का जमा रखा है, जिससे एंडेवर को भी अनेकों चुनौतियां मिल रही हैं। आखिर जिसके सामने फॉर्च्यूनर का विकल्प हो वो एंडेवर क्यों लेगा? वहीं विकल्पों के न होने के कारण संभवतः भारतीय कैब ड्राइविंग मार्केट में फोर्ड की एक भी कारें देख पाना मुश्किल है। सेडान मार्केट की बात करें तो मारुति की सियाज से लेकर
हुंडई की वरना, होंडा की सिटी सिविक, टोयोटा की कोरोला तक ने अपना कब्जा जमा रखा है। वहीं इस मार्केट में फोर्ड के पास कोई खास विकल्प ही नहीं है। ये सभी गाड़ियां फोर्ड एस्पायर के मुकाबले उतनी ही या उससे कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स, माइलेज, लुक और सर्विसेज के साथ आती हैं। वहीं फोर्ड फिगो की टक्कर में मारुति ने अनेकों विकल्प दे रखे हैं। वैगनार से लेकर सिलेरियो, स्विफ्ट, ऑल्टो 800 इनमें से एक हैं। वहीं ह्यूंडई की ग्रैंड i20 से लेकर टाटा की टियागो और फिगो फोर्ड के मुकाबले कहीं आगे हैं। मारुति सुजुकी की आफ्टर सेल सर्विसेज की उच्च स्तरीय गुणवत्ता के कारण उसका मार्केट शेयर अन्य भारतीय टाटा महिंद्रा से भी बेहतर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फोर्ड ने भारत की जनता को गरीब ही समझा। यही कारण है कि इस कंपनी ने अपनी बेस्ट सेलर्स को यहाँ लॉन्च ही नहीं किया। अगर फोर्ड की सबसे प्रीमियम कार की बात करें तो फोर्ड ने मस्टैंग का V8 छोड़कर कोई अन्य वेरिएंट उतारा ही नहीं। यद्यपि मस्टैंग के कुल 13 वेरिएंट्स विश्व के अलग अलग मार्केट में हैं। आज जब विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनियां सबसे पहले अपनी कारें भारत में लॉन्च करना चाहती हैं तो अपनी सबसे लोकप्रिय कार को ही भारतीय मार्केट से बाहर रखकर फोर्ड के प्रबंधकों ने अपनी शून्य मार्केटिंग समझ को उजागर कर दिया था। कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी किया एक अच्छा उदाहरण है, जो कि भारत में धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाकर संभावनाएं तलाश रही है। नतीजा ये है कि 2020 में कंपनी का मार्केट शेयर 8% के करीब था, जो कि फोर्ड से अधिक है। फोर्ड की इसी उदासीनता का एक बड़ा कारण है कि प्रीमियम सेगमेंट की कारों के मामले में BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स ने अपना दबदबा बना लिया है। अगर ये कहा जाए कि भारत में फोर्ड को असल नुकसान उसकी भारत के प्रति उदासीनता के कारण हुआ है तो संभवतः गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत एक प्रतिस्पर्धी मार्केट है जहां टिकने के लिए एक से बेहतर एक प्रोडक्ट उतारने होते हैं और फोर्ड इस मामले में बेहद पीछे रह गया।